सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ हर एक पोकेमॉन रीजन में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा है। वीडियो तुम लोग को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, बस एंड तक बने रहना वीडियो में। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले ये बात बता दूँ कि ये जो लिस्ट है यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट मैंने तुमको बताया है एनिमे वाइज। मतलब यार, ये चीज़ मैंने एनिमे के हिसाब से बताई है कि कौन सा स्टार्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकेस्ट है। क्योंकि यार, जब मैं गेम्स वाइज कुछ भी बताता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई उन्होंने गेम्स नहीं खेले, उनको गेम्स का समझ में नहीं आता। तो इसीलिए भाई ये मैंने एनिमे के हिसाब से बताया है। तो हाँ यार, सबसे पहले तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, एम करते हैं 6000 लाइक्स के लिए। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। इंस्टाग्राम आईडी आई एम पोकेट्यूबर, वहाँ जाके फॉलो कर लो। अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है सबसे फर्स्ट रीजन यानी कि कैंटो रीजन। कैंटो के तीनों ही स्टार्टर भाई मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और तीनों ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, बल्बसॉर, चारमैंडर और स्क्वर्टल। अब यार, वैसे तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टार्टर पोकेमॉन सर, काफ़ी अच्छे हैं तीनों ही। लेकिन फिर भी यार, सबसे स्ट्रॉन्ग देखे तो एनिमे अकॉर्डिंग वो तो भाई चारमैंडर ही है। क्योंकि भाई, इसका जो फाइनल एवोल्यूशन है चारिज़ार्ड, उसको एनिमे में बहुत ज़्यादा ओवर पावर दिखाया गया है। भाई चारिज़ार्ड अपने नॉर्मल फॉर्म में इतना पावरफुल दिखाया गया है, उसने लेजेंडरीज को भी हरा रखा है एनिमे के अंदर। ऊपर से भाई उसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है, वो भी दो, जो कि भाई म्यूटू के अलावा एक लौता सा पोकेमॉन है चारिज़ार्ड, जिसके पास दो मेगा एवोल्यूशन है। तो भाई एनिमे अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेफिनेटली चारिज़ार्ड ही सबसे पावरफुल होगा। बात करी जाए वीकेस्ट की, तो वो है बल्बसॉर। अब यार, मैं गेम्स के अकॉर्डिंग देख रहा होता तो लिटरली बल्बसॉर सबसे पावरफुल है इन तीनों में से गेम्स में। लेकिन यहाँ हम एनिमे के हिसाब से देख रहे हैं तो भाई एनिमे में बल्बसॉर को थोड़ा वीक दिखाया गया है। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में, स्क्वर्टल और चारमैंडर के कंपैरिजन में, बल्बसॉर को थोड़ा वीक दिखाया गया है, पता नहीं क्यों। अगला रीजन आता है जोटो रीजन। जोटो रीजन के जो तीन स्टार्टर्स हैं वो है सेंडेक्विल, टोटोडाइल और चिकोरिटा। ये तीनों भी काफ़ी अच्छे स्टार्टर पोकेमॉन्स हैं। यार वैसे जोटो के तीनों स्टार्टर्स ही बहुत पावरफुल हैं, तो कंपेयर करना और ये बताना कि कौन वीक है कौन स्ट्रांग थोड़ा सा हार्ड है मेरे लिए। लेकिन देखो, सबसे स्ट्रांग मेरे अकॉर्डिंग है भाई टोटोडाइल। देखा जाए तो ऐश का जो टोटोडाइल है उसको थोड़ा मस्तीखोर दिखाया गया है, लेकिन भाई पावरफुल तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तुम सोच ही सकते हो, उसने एक फुल्ली इवॉल्व चारिज़ार्ड को हरा दिया था फर्स्ट स्टेज में रह के। तो भाई नो डाउट यार, टोटोडाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्टर पोकेमॉन है। और इसका एवोल्यूशन फॉर एलिगेटर वो तो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक एपिसोड में भी हमको दिखाया गया था एक फॉर एलिगेटर, वो भी काफ़ी पावरफुल था। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोटो स्टार्टर तो भाई फॉर एलिगेटर है यानी कि टोटोडाइल। बात कर जाए वीकेस्ट की, तो वो है चिकोरिटा। अब देखा जाए तो भाई चिकोरिटा को एनिमे में इतना पावरफुल भी नहीं दिखाया गया और गेम्स में भी उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग जोटो में सबसे वीकेस्ट तो चिकोरिटा ही है। अगला रीजन आता है होएन। अब यार, होएन एक ऐसा रीजन है जिसके तीनों स्टार्टर पोकेमॉन से इतने पावरफुल हैं भाई, चूज़ करना बहुत मुश्किल है। और इवन सारे फैन फेवरेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तीनों का डिज़ाइन भी बहुत औसम है। यानी कि कुछ रीजन में होता है भाई कि कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होते। लेकिन इसमें भाई ऐसा है कि तीनों ही बहुत पावरफुल हैं और तीनों ही बहुत पॉपुलर हैं। ट्रिको, मडकिप और टॉर्चिक, इन तीनों में से एक चूज़ करना तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जोटो से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। भाई यहाँ पर तीनों ही काफ़ी पावरफुल हैं। लेकिन यार, एनिमे के हिसाब से देखें तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल भाई ट्रिको है। और हाँ यार, ये डिसीजन मैंने ऐश की ट्रिको को देख के नहीं लिया। हमको ज्यादातर जब भी ट्रिको दिखाए गए हैं एनिमे के अंदर वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, और टॉर्चिक जो है वो सेकंड नंबर पे कह सकते हैं हम लोग। और सबसे वीकेस्ट होएन स्टार्टर पोकेमॉन है मडकिप। मडकिप भाई गेम में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एनिमे के अंदर उसको इतना ज्यादा भाव नहीं दिया गया, उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया गया, पता नहीं क्यों। तो हाँ यार, स्ट्रॉन्गेस्ट है ट्रिको और वीकेस्ट है मडकिप। अगला रीजन आता है सिनो रीजन। अब काफ़ी लोग की तरह मुझे भी ये रीजन काफ़ी पसंद है। इसका एनिमे भी काफ़ी अच्छा था, सिनो वाला एनिमे। और इसके तीनों स्टार्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, चिमचार, पिपलप और टर्टवेग। सिनो के स्टार्टर्स भाई लिटरली ऐसे हैं जिनको अगर तुम गेम्स के अकॉर्डिंग भी स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट करो तो भी काफ़ी हार्ड है, एनिमे के अकॉर्डिंग करो तब भी काफ़ी हार्ड है। लेकिन फिर भी भाई एक आंसर आ रहा है हमारे पास, स्ट्रॉन्गेस्ट में है भाई चिमचार। क्योंकि भाई चिमचार को एनिमे में काफ़ी मेन दिखाया गया है बाकी दोनों स्टार्टर्स के कंपैरिजन में, इसको ज़्यादा पावरफुल भी दिखाया गया है। और इसका जो मेन सबसे एवोल्यूशन है, फाइनल एवोल्यूशन, वो है इन्फर्नेप, जिसको तो भाई एनिमे के अंदर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल दिखाया गया है, और वो पावरफुल है भी भाई इन्फर्नेप। तो हाँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है चिमचार, और सेकेंड नंबर पर है ऑब्वियसली टर्टवेग, और थर्ड नंबर पर आता है पिपलप। बिल्कुल भाई मडकिप की तरह यहाँ पर भी वाटर टाइप पोकेमॉन यानी कि पिपलप को थोड़ा कम भाव दिया गया था, और इसकी पावर भी हमको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई गई थी, इसको थोड़ा वीक दिखाया था एनिमे में।
अगला रीजन आता है यूनोवा रीजन। सबको पता है भाई यूनोवा रीजन को बहुत ज़्यादा हेट मिलता रहता है, हालांकि इसके स्टार्टर पोकेमॉन्स भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ भी बोलो, देखो इसके स्टार्टर पोकेमॉन्स है स्नाइवी, ओशोवॉट और टेपिक, जो कि तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं। तीनों का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। तो बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट की, तो यार मेरे अकॉर्डिंग एनवे में सबसे पावरफुल हमको स्नाइवी को दिखाया गया है। स्नाइवी भाई उसका जो पूरा एवोल्यूशन लाइन है पूरा ही बहुत पावरफुल दिखाया गया है एनवे में, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और गेम्स में भी देखें तो भाई वैसे कोई वीक नहीं है स्नाइवी, इसका डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा है और एक्चुअली पावरफुल पोकेमॉन है ये, और एनिमे में इसको पावरफुल दिखाया गया है और हमारी लिस्ट मेनली एनिमे पे है, इसी वजह से यार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आता है स्नाइवी। और सबसे वीकेस्ट भाई काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ओशोवॉट और टेपिक कह सकते हैं बराबर ही पावरफुल दिखाए गए हैं, लेकिन यार पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ओशोवॉट पोकेमॉन टेपिक से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और उसकी जो एवोल्यूशन लाइन है वो भी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए यार यहाँ पर सबसे वीकेस्ट आता है टेपिक। अगला रीजन आता है कैलोस, तो काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा ये, मेरी तरह मुझे काफ़ी पसंद है कैलोस रीजन। अब इसके स्टार्टर्स हैं चेस्पिन, फेनेकिन और फ्रोकी। देखा जाए तो चेस्पिन और फेनेकिन इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, इसमें फ्रोकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पे नो डाउट भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो फ्रोकी है, फ्रोकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्टर पोकेमॉन है और इसका एवोल्यूशन लाइन भी बहुत अच्छा है, और खासकर ग्रेनिंजा तो भाई बहुत पावरफुल है। बात करें वीकेस्ट की, तो वीकेस्ट में मेरा अकॉर्डिंग आएगा भाई चेस्पिन। चेस्पिन पोकेमॉन मुझे फर्स्ट स्टेज में पसंद है, लेकिन एवोल्यूशन भाई इसके बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे लगता है भाई एनिमे के अंदर सबसे वीक हमको इसी को दिखाया गया है। फेनेकिन भी इतनी तो स्ट्रांग है, तो भाई वीकेस्ट कैलोस में है चेस्पिन। अगला रीजन आता है अलोला रीजन। अब इसको लोग इतना पसंद नहीं करते इसके आर्ट स्टाइल के चलते, बाकी भाई ये रीजन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके स्टार्टर्स हैं राउलेट, लिटन और पोपलियो। बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट अलोला स्टार्टर के बारे में, तो वो और कोई नहीं, वो है लिटन। अब यार राउलेट मुझे काफ़ी पसंद है और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एनिमे के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है लिटन को ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है और उसके जो एवोल्यूशंस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। तो हाँ यार अलोला में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर है लिटन। बात करें वीकेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन के बारे में, तो वो है पोपलियो पोकेमॉन। इसका नाम, इसका डिज़ाइन मुझे कुछ भी नहीं पसंद और ये काफ़ी वीक भी है। अब आते हैं लेटेस्ट पोकेमॉन रीजन यानी कि गला रीजन पर। तो इसमें जो पोकेमॉन्स हैं स्टार्टर पोकेमॉन्स वो हैं ग्रूकी, सॉबल और स्कॉर्बनी। बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गलार स्टार्टर के बारे में, तो वो है स्कॉर्बनी। स्कॉर्बनी पोकेमॉन भाई काफ़ी पावरफुल है, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और तुम देखो तो भाई एनिमे के अंदर इसको बहुत पावरफुल दिखाया जा रहा है और इसकी जो एवोल्यूशन लाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है और सब लोग यार बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गलार में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाई डेफिनेटली स्कॉर्बनी है। फिर सेकेंड नंबर पर सॉबल और थर्ड पर भाई यानी कि सबसे वीकेस्ट गलार स्टार्टर में आता है ग्रूकी। ग्रूकी पोकेमॉन भाई मुझे पसंद है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा पॉपुलर है। गलार में सबसे पॉपुलर भाई सॉबल है और ये सबसे लीस्ट पॉपुलर है। तो हाँ यार यही थे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन हर रीजन में से। अब इसको देख के एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि भाई एनिमे के अंदर फायर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन को सबसे ज़्यादा भाव दिया गया है और उनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाया गया है। तो लगता है यार पोकेमॉन वालों को फायर टाइप ज़्यादा ही पसंद है। वैसे तो मुझे भी फायर टाइप काफ़ी पसंद है और इतने अच्छे डिज़ाइन देने की वजह से और इतने पावरफुल दिखाने की वजह से भाई फायर टाइप पोकेमॉन सबके फेवरेट बन जाते हैं। अब बाकी भाई यही थी वीडियो हमारी आज की, अगर पसंद आई है तो अभी कभी लाइक करो। आज का एम है हमारा 6000 लाइक्स का। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। इंस्टाग्राम आईडी आई एम पोकेटीवर, वहाँ जाके फॉलो करो। ये रही यार हमारी आज की पोके क्विज, जल्दी से बता दो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।